माय फर्स्ट पेमेंट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके नहीं आई हूँ, अपनी फर्स्ट पेमेंट की वीडियो लेके आई हूँ। और मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है, किसने मुझे यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने का आइडिया दिया है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम मैंने कम्प्लीट किया, कैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, कितनी मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, सारी ही बातें, सारे ही अपनी जर्नी इस वीडियो में शेयर करूंगी। और फुल वीडियो को वॉच करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम अनीता है, मेरा चैनल का नाम है अनीता किचन 10M। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। और मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने दिया, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बेटे हैं, उन्होंने मुझे दिया है। और मेरे बच्चे कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, आज तो वैसे तो मुझे 2 साल हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते। उस वक्त अभी मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा मेरा 8 में पढ़ता है और बड़ा वाला बेटा मेरा 12 में पढ़ता है। तो सोचिए 2 साल पहले वो 11 पे होंगे और छोटा वाला, ऐसे सोचिए कितने, वो कितनी कम उम्र होगी जिस वक्त उन्होंने मुझे वीडियो बनाने की सलाह दी थी। वैसे एक दिन क्या हुआ ना कि मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो ना मुझे सबसे ज़्यादा तो कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत थी उस वक्त, किसको उस वक्त भी है थी और इस वक्त भी है। तो फिर मैं ऐसे सोच में पड़ी थी, तो मुझे मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी आप तो खाना बहुत अच्छा बना लेती हो और टेस्टी बनाती हो, क्यों ना आप अपनी रेसिपी को अच्छे और सुंदर से सजा कर बनाइए और यूट्यूब में अपलोड करिए। यूट्यूब में बहुत सारी आंटियाँ और दीदियाँ अपनी रेसिपी को अपलोड कर रही, पैसे कमाती हैं। तो मैंने कहा हाँ, यूट्यूब से भी पैसे कमाए जाते हैं। तो सर बता, मुझे इस पता कुछ आइडिया भी नहीं था और मेरा सर बता, मेरे बच्चों को भी कुछ पता नहीं था। माता ने कहा सर, उन्होंने देख लिया कैसे क्या। तो मेरा बड़ा बेटा, दोनों ही मेरे बच्चे, वैसे मेरे पति वो सपोर्ट करते थे, पर मैंने स्टार्टिंग में अपने पति से कुछ शेयर नहीं किया था। तो दोनों बेटे मेरे वीडियो को शूट करते थे। एक बेटा, पहले तो ग्रीन लाइट नहीं था मेरे पास, तो ऐसे जुगाड़ों ग्रीन लाइट बनाकर वो लोग मतलब ऐसे पकड़ते थे, लाइट दिखाते थे। एक बेटा फ़ोन पकड़ के रखता था, क्योंकि वीडियो बनाने का स्टैंड भी नहीं था मेरे पास और ना ही मेरे पास ग्रीन लाइट थी, ठीक है। तो एक बेटा मेरा ऐसे जुगाड़ू लाइट लेकर रखता था, जुगाड़ू लाइट बनाया था उसने, प्रोजेक्ट था कोई स्कूल का उसका, तो उस तरीके की लाइट थी सर्कल वाले, तो वो इसे ऐसे पकड़ के रखता था। और बड़ा वाला बेटा मेरा ऐसे फ़ोन को पकड़ के रखता था, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन स्टैंड नहीं था उसके पास में मेरे पास में। तो ऐसे करके हम तीनों माँ बेटा मिलकर वीडियो अपलोड बनाते थे। फिर मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा एडिट करता था। मेरे बड़ा वाले बेटे को उस वक्त एडिट करना भी नहीं ठीक से आता था, क्योंकि जब आधा घंटा वीडियो रहता था बेचारा, तो वो आधे घंटे को एडिट करके पोस्ट कर देता था, मतलब उसको इतना पता ही नहीं था। धीरे धीरे अब जाके वो एकदम बहुत एडिट करना सीख गया है मेरा बेटा। बहुत सारे लोग हैं कमेंट में पूछते भी हैं कि आपका मैडम आपका वीडियो कौन एडिट करता है, तो ऐसे तो बेटा मना कर देता है, हम बताइए। तो जो भी बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आपका वीडियो कौन एडिट करते हैं, मेरा वीडियो बनाने मेरा सपोर्ट में हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे बच्चों ने कहा मुझे वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, मेरे बेटे ही वीडियो अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं, सारे ही काम जो भी है मेरा खाली बनाने का रहता है, सारा ही काम मेरे बच्चे करते हैं। इतने दिन लगे मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कम्प्लीट होने में, तो मेरे को 8 से 9 महीने मेरे को लग गए थे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कम्प्लीट करने में। और ये सब मेन पॉइंट है कि मेरी पेमेंट कितनी आई है, माई फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। तो फिर मेरी फर्स्ट पेमेंट है 2000 मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट। और ये सब आप लोगों की वजह से मुझे मिला है। यूट्यूब ना होता तो मैं अपना वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती, तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा करूँगी यूट्यूब का और दूसरा करूँगी अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स का, कि जिन्होंने मेरे वीडियो को वॉच किया, देखा, पसंद किया, जिनके कारण मुझे ये पेमेंट मिली है, उन सभी व्यूवर्स का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। पेमेंट की फर्स्ट पेमेंट से मैं 500 रुपये फ्रेंड निकालूँगी, इससे मैं कुछ गरीब लोगों को दान करूँगी, कुछ बना के, कुछ छोटा मोटा बनाकर उन लोगों को मैं खिलाऊंगी। तो मैंने इतना ही निकाला है, अगर आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट देंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ, इतना मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। और मेरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स दिल से धन्यवाद।